हेलो नमस्ते वड़कम वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मोहम्मद अदनान आलम फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोलपुर। ब्लॉगिंग सर, एक मिनट रुकिए। हेलो नमस्ते वड़कम वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर सलीम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK व्लॉग्स। ये जो जिस कैमरे से मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा कैमरा नहीं है, मेरा कैमरा बता दो कहाँ पर है। ये है हमारा कैमरा, पेट निकला है इसका, देख रहे हो। जब हम तमांग में थे गिर गया, लेंस गया, बॉडी बची हुई है, लेंस चेंज करूंगा तो हो जाएगा, लगभग 20,000 का खर्चा भी है। और सोनी के लेंस, वाह 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 भाई, इतने महंगे लेंस लेते टाइम सोचा नहीं था, लेकिन अभी क्या करें, सब सोनी सोनी तो सोनी, टू बी कंटिन्यू। ऑलराइट, सो आज आपका MSK जा रहा है YouTube फैन फेस्ट। क्यों जा रहा है, इसका रीजन आपको भोगना इसका रीजन आपको दौरान पता चलेगा, ब्लॉग के दौरान। आपको मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किसी और के चैनल में नहीं हो, MSK व्लॉग्स के ही चैनल में हो। YouTube फैन फेस्ट का जो टाइमिंग है वो है 3 बजे का, और अभी ये देखो टाइम देखो 2:47, मतलब फुल तैयारी में तो हूँ मैं अभी। देखना ये है कि क्या मैं 10-15 मिनट में पहुंच पाता हूँ कि नहीं पहुंच पाता हूँ, नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। एक हाथ से दुख जाता है, हाथ की एंगल ही चेंज कर देना है। यार अपने घर में ब्लॉग करने का एक अलग ही मजा है, सच में बता रहा हूँ। 10 दिन तक मैं बाहर था, 10 दिन बाहर ब्लॉग किया, आज अपने घर के अंदर ब्लॉग कर रहा हूँ, एक अलग ही फीलिंग आ रही है। तो आज हम KTM लेके इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि KTM नहीं है, और R1 आपकी बड़ी बहू, इसका भी कोई भरोसा नहीं, ट्रैफिक में गर्म हो जाती, पता नहीं चालू हो या ना हो, लेने के देने पड़ जाएंगे, टायर भी पंचर है, इसके लिए इसको भी नहीं लेके जा सकते। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है कैब, तो अभी कैब भी बुक करना है और यहाँ से निकलना है, बाकी बकवास बाद में चलते चलते करेंगे। ये क्या बवाल, नो कार्स अवेलेबल, अब हम जाएंगे कैसे। वैसे जब मैं कल आ रहा था ना, तो वो ऊबर के कैब ड्राइवर ने बोला था कि स्ट्राइक चल रहा है ओला का भी, ऊबर का, ओला एक बार ट्राई करते, अगर ओला भी नहीं हुआ तो फिर तो गए हम तो लटक गए यहाँ पर। नो ऊबर ड्राइवर अवेलेबल हियर, लेट मी सर्च ऑन ओला। ओला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, ओला ओला भी नहीं, ऊबर भी नहीं, अभी हमारा क्या होगा। एक ऑप्शन बचा है, समीर को फ़ोन करता। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है रे बाबा। पहुंच गए ऐसे तैसे, कैसे पहुंचाने वाला, लाइफ सेवर दूर कैसे चले गया मोहम्मद समीर खान, लाइफ सेवर। एक लाइफ सेवर और है, जिमी, जिसने मुझे ये कैमरा दिया है, ये है अल्फा 6500। यस, मेरा वाले कैमरे का थोड़ा एक वर्जन ऊपर है ये, लेकिन क्वालिटी मस्त देता है इसमें। चलो इसकी बाद में करेंगे, पहले जिमी की बात करते हैं। यार जिमी जब भी कोई जरूरत पड़ता है ना मुझे दे देता है, उसके शॉप का डिटेल नीचे है, कैमरे का कुछ भी होता है ना बचा लेता है, और कभी इमरजेंसी में पहुंचना होता तो ये हमें बचा लेता है। कैब नहीं चल रहा आज, हमारा बाइक अवेलेबल नहीं है, बट भाई है, थैंक यू जिमी भाई, थैंक यू। MSK आप बताओ भाई, क्या नाम है आपका? MSK लेकिन ऐसे जब ब्लॉग करते तो कैसे अंदर आने का है? वैसे नहीं, सॉरी। नाइस टू मीट यू ब्रो। ऑलराइट ऑल MSK पहुंच गई यहाँ पर, आयात होटल, और कितने खूबसूरत चेहरे हैं यहाँ पर, ये देखो। अरे हमेशा जब भी मैं लेट होता ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही लेट हूँ, लेकिन जब पहुँचता तो पता चलता है पूरी दुनिया लेट है। देख रहे हो, आराम से चिल कर रहे हैं अभी। सबसे पहला जब अंदर घुसूंगा ना, पास वास मिल जाएगा, उसके बाद हमला होगा। कौन कौन मेरे साथ हमला करेगा? मैं फूड कोर्ट पे हूँ। फूड के बस पहले इसने रिवील कर दिया, हमला किया जाएगा, कुछ खाया नहीं हूँ, खा के फिर जो भी होगा देखेंगे, देखा जाए। और यहाँ पर क्यों हुआ है इसका रीज़न बाद में बताते हैं, सस्पेंस रखना पड़ेगा ना, तब तक ये सब देखो आप यहाँ का, देखो। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से लगती है, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं लाइन वहाँ ख़त्म हो रही है। होता है यार, है तो है, क्या कर सकते, यहाँ अपनी चलती नहीं है, यहाँ पर सारे क्रिएटर्स की चलती है, सारे क्रिएटर्स हैं यहाँ पर, हम कौन, हम भी क्रिएटिव, भेदभाव नहीं होना चाहिए। माई चैनल नेम इज MSK ब्लॉग्स। MSK ऑलराइट, गॉट इट। अभी वक्त भी बताना जरूरी ना, वक्त 4:10, सोचो मेरे को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा क्योंकि हम तो वैसे भी लेट थे। हमारा कैमरा पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, हम खुद पकड़ते हैं, हम खुद पहनते हैं। YouTube की तरफ से हमें ये मिला, इसके अंदर हम क्या रखें, कैमरे रखेंगे, बुक तो रखेंगे नहीं। क्या है बताओ तो सही भैया। अरे भैया एक खोल देना भाई, थोड़ा थोड़ा सा खोल देना।
भरा कागज है सब यार, खाली खाली है, कुछ भरा हुआ नहीं। हमको लगा कुछ देंगे भरा हुआ, पैसे वैसा होगा इसके अंदर। फैन फेस्ट आएगा एक दिन इंशाल्लाह। रजिस्ट्रेशन तो हो गया, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम। सर यहाँ पर खाना खाना है, यहाँ पर आ जाओ भाई। ये अरे बंद क्यों है, अरे कोई बंद क्यों है भाई? भाई मेरे को खाना चाहिए। यूट्यूब भूख लगी है, मैं अकेला भूखा नहीं, उन लोग भी हैं। आज तारीख क्या है समझ गया ना, इंशाल्लाह क्यों लिखा। देखो खाना तो मिला नहीं, वापस जा रहे हैं हम, आ गए वापस। बोले खाना मिलेगा यहाँ पर, लालच देके बुलाया यहाँ पे, फिर बोलते कि जाओ नहीं मिलेगा, डिनर है यहाँ पर। ऐसा थोड़ी होता है। राइट, तो 4:20 प्रवेश द्वार खुल चुके हैं। हमने खुल तो बहुत पहले से किया था, हम अंदर जा रहे हैं। हाँ क्या बात है, मतलब बैठने के लिए सीट नहीं है, सीट ही नहीं है यार। देखो ऐसा है कि हम बी रोल के लिए जा रहे हैं यहाँ वहाँ, तो सीट बहुत मुश्किल से मिला है। रिजर्वेशन के लिए हम यहाँ पर अपना बैग रखेंगे और जाएंगे। रिजर्व करना पड़ता है ना सीट भी अपने को। ये लाइट क्यों बंद कर दिया यार? फाइनली टाइम आ गया, अभी खाते हैं, पेट भर के खाएंगे, अच्छे से खाएंगे। लो नाम लिएगी उड़ गया। अरे बाप रे बाप, अबे भाग यहां से भी बड़ा। बाय बाय। अरे क्या है, क्या बोलता है? एमएस क्या है, वन लेग सब। ये मेरा प्लेट खाली है, ठीक है, और ये हमारे बंधु यहाँ मिल गए, इनसे एक वड़ा पाव उधार लिया हूँ। और ये देखो इतना लंबा लाइन, जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक खत्म। इंजन का आवाज़ आके भी मिला था मैं इनको। अभी तो बाद में पहला खाते हैं, जितना दबाना है दबा लूँगा, उसके बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि खाना खाएंगे, आराम से शूट करेंगे, ब्लॉग करेंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन अपना काम ही है, जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं वही शूट कर रहे हैं, तो एडजस्ट कर रहे हैं। चेस अपना जय मिल गया, और तो आएगा भी, आई डी बड़ी है ना, तो दिखना पड़ेगा। एक गजब की बात बता रहा हूँ, हम लोग हैं ग्रैंड हयात 5 स्टार, तो वहाँ पर वड़ा पाव, 5 स्टार वाला वड़ा पाव। हाँ जी, भी देसी भी मुंबई कर। चलो भैया खाना तो हो गया, अब ये देखो, देख लो ना यार, खाने तो देख। हम तो शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन हमारे एनबी भाई हमारे लिए लाके दिए। ध्यान रखना पड़ता है ना, और ऐसे तो दिखा के खाऊंगा नहीं, आपको पता है चेहरा खराब दिखता है। मम्मी की याद आ गई, बंगाली मिठाई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, जूस प्लीज। अपने को जूस चाहिए, और दानिश को भी जूस चाहिए। बहुत इरिटेट कर दिया भाई साहब को, मारेगा पकड़ के, बॉटल फेंक के मारेगा भाई। भाई साहब ये है क्या? मतलब ये ब्रेक ओवर हो गया इसलिए बजा रहे हैं, मुझे लग रहा था कि हमें एंटरटेन कर रहे हैं।
टी कॉफी मसाले टी आई गो फॉर मसाले टी ग्रैंड हयात में मसाले टी फाइव स्टार कटिंग चाय एमएसकेएंस बाकी सब बढ़िया देखो ऐसा जाति से हम यूट्यूबर तो यूट्यूबर होने के नाते हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर भी ब्लॉग भाई शादी में क्या करेंगे बाथरूम में भी ब्लॉग करेंगे नहीं शादी में भी करेंगे अब ये कि मेरा चेहरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी पता नहीं मतलब खाते खाते हम ये भूल गए क्रिएटर कैंप में हम सब अंदर जा चुके हैं तो हम जाते हैं कहाँ निकल गए Even if you fail, it's okay. You learn a lot from your failures. But definitely try different systems until you figure out what works for you. And एक और चीज़ है, I have to mention here. बड़ी बात है. Last year creator camp में मैं वहाँ पे बैठा था. And Rajan and BB also told me next साल तू उधर बैठा होगा साथ में हमारे. Alright, all of his skins. पहला सेशन कंप्लीट हुआ इसके बाद अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट हो रहा है सपोर्ट अलग ब्रांड अलग ऐसा करके डिवाइड किए हुए हैं लेकिन हमें कुछ काम करना है फीडबैक फिलहाल हमारे लिए फीडबैक फॉर्म लाए हम फीडबैक फॉर्म फिलअप करेंगे यूट्यूब फैन फेस्ट के बारे में ही है ऑलराइट सो ओवरऑल हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद टुडेज फैन फेस्ट क्रिएटर कैंप पैनल वर्कशॉप वेरी सैटिस्फाइड चाय नहीं मिला तो भी सैटिस्फाइड ना ना फैन फेस्ट के बारे में पूछा चाय के बारे में थोड़ी पूछा है मैं यहाँ पर आया क्यों इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं बताऊँगा ज़रूर बताऊँगा लाइटिंग अच्छी है क्या देख ठीक है ऑलराइट यूट्यूब फैन फेस्ट क्रिएटर कैंप में आने का मेन रीज़न हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो किसी न किसी से इंस्पायर होता है इलामत भाई जब आप काम करते हो काम करते करते थक जाते हो यूट्यूब में आप अकेले होते हो जैसे आई एम अ व्लॉगर तो मैं अकेला ही सब कुछ काम करता हूँ मेरे पास कोई टीम नहीं है तो काम करते करते थकावट आ जाती है काम करते करते डीमोटिवेशन आ जाता है तो एक पंप चाहिए होता है उस पंप के लिए यहाँ पर आया हो एक मोटिवेशन चाहिए होता है ये जितने भी लोगों को आपने स्टेज पर देखा ये सारे लोग ऐसे ही शुरू किए थे कुछ नहीं था किसी से इंस्पायर हुए और आज ये सारे के सारे लोग जो वहाँ पर हैं स्टेज पर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्डवर्क कंसिस्टेंसी उनका पागलपन जुनून ये सारी चीज़ों की वजह से आज वो लोग वहाँ पर हैं मैं यहाँ पर आया हूँ मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन अपने साथ बहुत सारा कैरी किया हूँ मैं भी अब ये अपने काम में दिखाऊँगा मैं और इंशाल्लाह ताला आपका भाई नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी नेक्स्ट ईयर दो साल तीन साल कभी ना कभी यहाँ पर आएगा लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आऊँगा मैं ये नहीं कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जब तक मैं मैदान में खड़ा हूँ फाइट कर रहा हूँ कभी ना कभी मैं आऊँगा और जब मैंने क्विट कर दिया तब नहीं आऊँगा तो अभी मैं हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा ये बंदा चीटर फेंक फेंक के सबको आउट किया मेरे टीम में फैन फेस्ट में पता है ना क्या हुआ हम लोग जब आए थे क्रिकेट खेलने के लिए ये बंदा था ये सेकंड सेशन द ग्रेट न्यूज़ इज़ अबाउट दिस वर्ल्ड दिस डिजिटल लाइफ दैट वी लिव इन ईच अदर देयर इज प्लेंटी आउट देयर सो डोंट ओवर प्राइस योरसेल्फ डोंट ओवर पिच योरसेल्फ रियली इंपॉर्टेंट वी कुड प्रोबब्ली टॉक अबाउट दिस फॉर अ होल वीक A lot of it was mentioned that the on that panel would like to, and then stick to that. And the client is going to say, I need this, this, and this. But remember, if you've had the conversation with the need, the nice, and the not. Alright, G. दूसरा वाला सेशन खत्म तो नहीं हुआ लेकिन हम निकल गए वहाँ से अभी यहाँ पर खाने का बहुत तगड़ा इंतजाम किया गया है और पहले से ही ये वाला शेर जो है चीता थोड़ा भूखा है तो खाएंगे और हम दो काम एक साथ कर रहे हैं फोटो वीडियो क्योंकि हमें आपके में कितने लोग को भूख लगा है बताओ किसी को भी नहीं लगा है मैं ही खा लेता हूँ यार क्रिएटर कैंप से तो निकल गए ठीक है और ऊबर बुक कर रहे हैं तो ऊबर तो बुक नहीं हो रहा है फिर हम सोचे कि चलो कोई रिक्शा या फिर कैब कर लेते हैं और हमें सडनली याद आया कि हमने हमारा वॉलेट जल्दी जल्दी में लिया ही नहीं तो अभी हमारे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन अभी मेरा दोस्त हार्दिक का कॉल आया था उसने बोला कि मैं तेरे को छोड़ देता हूँ तो मैं तो जा रहा हूँ सीधा सीधा अगर वो आएगा तो फिर
चलते हैं। लेकिन ओला उबर, व्हाट हैपेंड टू यू पीपल? आज के ब्लॉग का लाइफ सेवर हार्दिक छोड़ने के लिए आ रहे हैं हमें। मतलब इस ब्लॉग में हमारे पास ना ही कैमरा है, ना ही आने का इंतज़ाम है, ना ही जाने का इंतज़ाम, ये हो क्या रहा है? थैंक यू भाई। अरे मोस्ट वेलकम यार। हेलमेट के लिए कमेंट करोगे? अनएक्सपेक्टेड था सिचुएशन, इसलिए नहीं पहना, नहीं तो मैं पहन लेता। ठीक है, मुझे पता है रग रग से वाकिफ हूँ मैं आप लोगों के, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, इस बार के लिए माफ़, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या कर सकते हैं, बाकी सब बढ़िया है। हाँ जी, घर पर आकर हम थोड़े हैरान परेशान हो गए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा वॉलेट कहीं खो गया, बट हमारा वॉलेट हमें मिल गया। और हम अपना वॉलेट जब देख रहे थे तो हमें ये चीज़ दिखाई दी। ये हम जब गुवाहाटी गए थे तभी वहाँ पर हमारे MSKN ने हमें ये दिया था, वॉलेट में रह गया, ध्यान आया ही नहीं। अभी मैंने अनबॉक्स किया और उसमें एक खत है और ये है लिप्टन ग्रीन टी। लिखा क्या है? MSK भाई, आई डिडंट हैव एनीथिंग टू गिव यू, सो आई एम गिविंग यू पैकेट ऑफ ग्रीन टी। एज यू नो आर असम इज रिच इन टी, होप यू विल यूज इट एंड स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम असम, जीतुल कलिता एंड संजीव शर्मा। गिफ्ट कभी भी ना छोटा नहीं होता, हर गिफ्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो दिल से आता है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के गिफ्ट्स। थैंक यू जीतुल, थैंक यू संजीव। गिफ्ट से मुझे और एक चीज़ याद आई, एक गिफ्ट और है। गुवाहाटी में जब जुनेद भाई और देबू भाई आए थे तब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, वहाँ पर हमारे एक MSKN ने ये दिया। पहन लेते ना भाई, स्टाइल भी मार लेंगे। नितेश ओझा, अमित तिवारी, सुमित तिवारी, ऋषभ साहू, थैंक यू सो मच गाइज। ये आप लोग का प्यार है, ये आप लोग का सपोर्ट है कि आज MSK आप लोग के सामने ऐसे बात कर पा रहा है। ये आप लोग का सपोर्ट है कि इतना कॉन्फिडेंटली मैं आप लोग के सामने अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। ये जो भी है यार, ये जो भी है सब आप लोग की वजह से है। तो आज अगर MSK कुछ है तो वो आप लोग की वजह से है। थैंक यू सो मच, ये प्यार, ये सपोर्ट, ये चीज़ के लिए, दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं ब्लॉगिंग स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर पैसे के लिए आया होता तो अब तक ब्लॉगिंग स्टॉप हो चुकी होती, लेकिन मैं यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पर आया था इम्प्रूवमेंट के लिए, यहाँ पर आया था डेवलप के लिए, कुछ चीज़ें सीखने के लिए। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ से मिली वो अनएक्सपेक्टेड थी, जो प्यार, जो सपोर्ट। सीरियसली गाइस, कभी जिंदगी में मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती थी। अगर मैं एक एक्टर भी बन जाऊँ ना तो भी मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी जो चीज़ मुझे यहाँ से मिल रही है। थैंक यू सो मच अनकंडीशनल प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ज़्यादा क्या, इतना लंबा ब्लॉग बन गया है वैसे भी। थैंक यू फॉर मेकिंग माय पॉडकास्ट वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम। यार कितना कुणाल भाई, क्या चीज है भाई, ये खत्म नहीं हो रहा है, ज्यादा ही क्वेश्चन है। कुछ मिलेगा क्या इस पे? हां कुछ मिलेगा नहीं, ये लोग अपने ले ले रहे फीडबैक। हां फीडबैक, ठीक है, कोई नहीं कर देगा। डज द कंटेंट